जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और बढ़िया दोस्तों एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों चलिए यार आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले 5 जुलाई यानी कि कल के दिन के बेस्ट स्टॉक ऑप्शंस के कुछ लेवल दोस्तों मैं शेयर करने वाला हूं। आप लोग देखना कुछ स्टॉक्स में ब्रेकआउट हो रहा है, आपको मैं फिर से रिमाइंड करा देता हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी डिमांडिंग रहती है, मैंने बीच में 2-3 दिन बंद करी बट लोग परेशान हो गए, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को लोगों को देखकर बेनिफिट होता है, एक तो सीखने को मिलता है प्लस इंट्राडे के बढ़िया 4 स्टॉक मैं ढूंढ कर लेकर आता हूँ निफ्टी 50 के आसपास के, ठीक है। तो 2 स्टॉक दोस्तों ऊपर लेवल के होंगे, 2 नीचे के, तो आपको 2 में कॉल साइड फोकस करना है, 2 में पुट साइड। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, लाइक ज़रूर करना, 600 लाइक में टारगेट रख रहा हूँ, बहुत छोटा सा, ठीक है, 1500-2000 आदमी वीडियो देखता है, 600 लाइक ज़्यादा नहीं है। और जो चैनल पर पहली बार भाई सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि दोस्तों अब तो मैं 1:30 बजे लाइव आता हूँ और आप लोगों को लाइव प्रैक्टिस कराता हूँ, लाइव मार्केट के दौरान निफ्टी बैंक निफ्टी, वहाँ पर भी आप सीख कर कमा सकते हैं। तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जो आज का पहला स्टॉक है वो है PNB। आज दोस्तों PNB जिसने नहीं देखा भैया जान लो 4-5% की बढ़िया धमाकेदार तेज़ी रही। तो दोस्तों हमको क्या करना है वो सुन लो, हमको इसके अंदर दोस्तों फोकस करना है कॉल साइड यानी कि सी साइड, और करना कैसे है दोस्तों सपोर्ट पर बाय करना है। ये पिवोट पॉइंट दिख रहे हैं ना, यहाँ के ऊपर निकलेगा तब। तो दोस्तों सबसे पहले भी ये एक रेंज में फंसा हुआ है, कोई बात नहीं, जब तक दोस्तों अब ये वाली रेंज ना तोड़ दे 57.90 यानी कि दोस्तों कल खुलते ही अगर ये 57.90 के ऊपर 5 मिनट सस्टेन कर लेता इस पीली लाइन के ऊपर, पिवोट के ऊपर एक ग्रीन कैंडल, तो आप कॉल साइड एंटर हो सकते हो 60C में, 55C में, ठीक है, कॉल में फोकस कर सकते हो। दोस्तों टारगेट बड़े आ सकते हैं PNB के, अगर यहाँ से 58 से निकला तो 59.15, उसके बाद दूसरा 60.70, ऐसे में दोस्तों क्या होगा मान के चलो 60C चल रही है 4 पर, तो हो सकता है वो पहुँच जाए 4.90 है, और लॉट काफ़ी ज़्यादा है PNB का, तो दोस्तों 6,000-8,000 का पैसा प्रॉफिट भी बन सकता है आराम से। बात करते हैं दोस्तों स्टॉप लॉस की, तो दोस्तों जब ये यहाँ पर निकलेगा तो आप लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा फिर ये वाला लगभग, जो कि होगा लगभग 56.90 का, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम कॉल साइड का, एक और स्टॉक जो मुझे थोड़ा सा ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आ रहा है, हीरो मोटोकॉर। तो दोस्तों हीरो को बिल्कुल भी मिस ना करें, इसके ऊपर भी नज़र ज़रूर बनाएं कल। दोस्तों कल करना क्या है, देखो इसकी एक क्लोजिंग है ये 3028, करना कुछ नहीं है कल दोस्तों, अगर 3028 को मार्केट के दौरान खुलता है इसके मतलब यहीं पर है, इसके ऊपर ही जहाँ पर अभी है, और 5-10 मिनट यहाँ पर सस्टेन कर ले ग्रीन कैंडल बनाए, तो दोस्तों आराम से बढ़िया तेज़ी दिखा सकता है। पहला टारगेट होगा 3064 का, अगला टारगेट होगा 3080 के आसपास का, तो ऐसे में दोस्तों 3100 CE हीरो मोटोकॉर्प या फिर 3000 CE हीरो मोटोकॉर्प भाग सकती है कल। दोस्तों काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है धीरे धीरे 2:30 बजे के आसपास, तो यहाँ तक स्टॉक जा सकता है, ऐसे में स्टॉप लॉस भी काफ़ी छोटा होगा दोस्तों, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा लगभग जब दोस्तों ये वाला लेवल टूटेगा तो मुश्किल 3011 का स्टॉप लॉस रहेगा जब ये वाला लेवल टूटेगा, और दोस्तों कॉल साइड बढ़िया पैसा बनता हुआ नज़र आ सकता है, तो कल हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर भी ज़रूर नज़र बनाना। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टाटा कम्युनिकेशन, तो दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन फिलहाल अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो आपको क्या करना है दोस्तों इसका एक लेवल है ये वाला 1534, दोस्तों इसके नीचे आपको पुट में एंटर करना है, यानी कि इसके नीचे अगर 5 मिनट रेड कैंडल बना देती है, मैं समझा देता हूँ, ये वाला यहाँ पर रेड कैंडल बना देता है इसके नीचे निकल कर, यहाँ पर तो पहला टारगेट होगा दोस्तों थोड़ा छोटा 15-25 का, दूसरा टारगेट काफ़ी बड़ा मिलेगा 15-10 के आसपास। तो दोस्तों ऐसे में 1500 की पुट टाटा कॉम सर्च कर लेना और कल लगा कर रखना इन लेवल्स को, और देख कर मुझे ज़रूर बताना कि कैसे फटे या नहीं फटे। तो दोस्तों इसके नीचे निकलेगा बढ़िया मूवमेंट मिलेगी, स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा, फिर यही वाला स्टॉप लॉस रहेगा जब इसके नीचे ट्रेड होना चालू करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा, जैकपॉट वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी सपोर्ट कर दिया करो आप लोग, ठीक है। दोस्तों अगला हमारा पुट में एक एंटर का थोड़ा सा स्टॉक है, एक नज़र आ रहा है रिस्की सा, हीरो आयशर मोटर्स, एक ऊपर का है मोटर्स में एक नीचे का है, तो दोस्तों इसमें लेवल है 3390 का, 3390 का अगर लेवल टूटता है नीचे की तरफ जो कि शायद यहाँ पर है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 3377 का, उसके बाद दूसरा टारगेट होगा 3356 का, यानी कि 3390 के नीचे दोस्तों अगर ये सस्टेन करता है तो 3400 पुट कल भाग सकती है आयशर मोटर्स की,
3400 फिट मान के चलो 70 चल रही है, तो हो सकता है 90 पहुंच जाए, तो एक बार नज़र बना के रख लेना ठीक है। और दोस्तों इसके नीचे अगर निकलेगा तो वीक होगा, थोड़ा बहुत आ सकता है आराम से यहाँ तक भी 33-50 तक भी, अगर इसके नीचे की गिरावट मिलेगी 30-40 पॉइंट हम कैप्चर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों स्टॉक ऑप्शन की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।